कनेक्ट किया जाता है। जब दोनों टेस्ट दोनों कंडक्टर्स में जो कनेक्शन के बाद जो डिफ्लेक्शन होता है मैगनेट के अंदर, अगर वो जीरो होता है या जीरो इंडिकेशन देता है, तब हम ये समझ सकते हैं कि वो कंडक्टर अर्थ हो चुका है, दैट मीन्स वहाँ पे अर्थ फॉल्ट क्रिएट हो चुका है। सिमिलरली नेक्स्ट जो मैथड है वो हम यूज करते हैं पूरे लूप टेस्ट। अब इस लूप टेस्ट के अंदर क्या आता है, एक लूप बनाते हैं कंडक्टर का, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसको फर्स्ट ईयर याद रखिए क्यों यूज कर रहे हैं, टू लोकेट द फॉल्ट्स इन द अंडरग्राउंड केबल्स, एंड इस मेथड का नाम है पूरे लूप टेस्ट। फर्स्ट हम इसको यूज करेंगे, देखो दो कंडीशंस में हम कंडक्टर को यूज कर रहे हैं, एक तो वो अर्थ फॉल्ट और दूसरा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के बारे में सभी जानते हैं कि अगर दो कंडक्टर आपस में टच हो जाते हैं या आपस में कोलैप्स हो जाते हैं तो वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है, दैट मींस बहुत ही हाई करंट होता है। अब अर्थ फॉल्ट का मतलब ये है कि कोई भी कंडक्टर अगर डायरेक्टली अर्थ से कनेक्टेड हो जाता है और सारी जो करंट है वो क्या हो जाता है, वहां पे अर्थ से पास हो जाता है, तो वो जो फॉल्ट होता है हमारा वो होता है अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट के अंदर अगर हम पूरे लूप टेस्ट को लेते हैं तो इसके लिए एक डायग्राम है जिसमें दो कंडक्टर है, हमारे पास कंडक्टर ए एंड बी, सी एंड डी। तो जो ए बी कंडक्टर है हमारा वो है हमारा साउंड केबल जो कि हेल्दी केबल्स है, एंड सी और डी में कोई एक पॉइंट है जहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हुआ, दैट मीन्स सी एंड डी हमारा क्या हो गया, फॉल्टी केबल हम उसको नाम दे सकते हैं। अब जो रेजिस्टेंस है ए बी डी और फॉल्टी केबल का, जहाँ तक जो भी रेजिस्टेंस होगा केबल का वो हमने ले लिया है आर, एंड जब फॉल्टी केबल से लेके पॉइंट सी तक एक रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है एक्स, जिसकी लेंथ हमें नहीं पता है कि कौन सी जगह पे फॉल्ट क्रिएट हुआ है, तो उसकी लेंथ तो हमने मान लिया है वहां पे इस लेंथ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास एक्स। यहाँ पे ए और बी सॉरी ए और सी के बीच एक गैलोनोमीटर रखा गया है, गैलोनोमीटर क्या करेगा, मेजरमेंट के लिए रखा है कि उसका डिफ्लेक्शन हमें दिखाएगा कि वहां पे अर्थ फॉल्ट है या नहीं। तो ए के साथ एक वेरिएबल ई रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया एंड सी के साथ वेरिएबल क्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। K1 and K2 यहाँ पे जो है यहाँ पे स्विच का काम कर, तो P और Q जो है ये आपस में कनेक्ट होगी ग्राउंड से कंट्री से कनेक्टेड है। उसके बाद वो ये लेते यहाँ पे बैटरी फिजिक पर्पस के लिए, जो बैटरी से कनेक्टेड है उसके बाद जो कनेक्ट हो जाता है वो ग्राउंड से कनेक्शन। अब जो अर्थ फॉल्ट है दैट मीन्स सी और डी केबल के बीच में कोई एक पॉइंट है जो फॉल्टी कंडीशन पे है, फॉल्ट पॉइंट है, उस फॉल्ट पॉइंट से वो अर्थ फॉल्ट पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट हो गया है हमारा सी डी कंडक्टर। तो अगर हम इसका फिनोमेना देखते हैं तो पी क्यू ये मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है पी क्यू के बीच एक गैलोनोमीटर है से कनेक्टेड है। अब ए और इस 40 पॉइंट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आर हो गया। अब इस 40 पॉइंट से लेके सी तक मतलब एफ और सी मान लीजिए पॉइंट एफ है, एफ और सी ये हमारे लिए अननोन है, एक्स हमारे लिए अननोन है क्योंकि इस लेंथ केबल की लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं, इनका रेजिस्टेंस हमें पता होगा बट कौन से पॉइंट पे फॉल्ट क्रिएट होगा उसके बाद उसकी लेंथ कितनी होगी और उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में अगर क्रिएट कर सकते हैं तो ये कैसा दिखेगा, हमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा दिखेगा। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कनेक्शन है वो बैलेंस कंडीशन में होता है, वो पी क्यू पी डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू आर ओवर एक्स। एक बार इस डायग्राम से अगर हम देखें तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर लूप अप टू द फॉल्ट फ्रॉम द टेस्ट एंड। टेस्ट एंड कहाँ पे होगा हमारे पास, मतलब फॉल्ट लूप है एक तो टेस्ट एंड हो गया ए पॉइंट से लेके एफ, तो हम जो फॉल्ट मेजर करेंगे वो हो जाएगा हमारा टेस्ट एंड। सेकेंड एक्स, एक्स इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द लूप। ठीक है, यहाँ पे अगर पी क्यू आर एस का फिनोमेना अगर हमने इस तरीके से इसे कंस्ट्रक्ट कर लिया या ऐसा देखा तो ये कैसा दिखेगा हमें, व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसे, जहाँ पे पी एंड क्यू क्या है हमारे पास वेरिएबल। सो
यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा जीरो कब तक, जब हमें अर्थ फॉल्ट मिलेगा हम इस क्या करेंगे इन दोनों रेजिस्टेंस को वैरी करते रहेंगे जब तक हमें गैल्वेनोमीटर का जो रिफ्लेक्शन है वो हमें जीरो में इंडिकेट नहीं कर देगा। अब बैलेंस कंडीशन में जो वेट स्टोन है वो हमारे पास हो जाएगा पी अपॉन टू इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स। से आगे सॉल्व करने के लिए एलएचएस और आरएचएस में वन का एडिशन कर दिया तो क्या इक्वेशन मिल जाएगा हमें, पी अपॉन क्यू प्लस वन इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स प्लस वन। तो आगे सॉल्व करने से मिल जाएगा पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ये एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से तो फाइनल इक्वेशन हमें मिला था, वहां से फर्स्ट इक्वेशन था पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स, इसको अगर आगे हमने सॉल्व किया तो ये हमें मिल गया पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये ले लिया हमने इक्वेशन नंबर वन। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, जो लेंथ रेजिस्टेंस है हमारा ये होल केबल के लिए क्या हो जाएगा, because small r is the resistance of cable, so r is equal to r, that means r x is equal to small r, तो क्या हो जाएगा r plus x is equal to r plus r, that means 2r। अब इसे क्या करेंगे हम, r plus x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में शूट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा p plus q divided by q is equals to 2r divided by x, ठीक है। इस इक्वेशन में हमें क्या फाइंड करना है, जो फॉल्टी केबल है वहां से लेके c पॉइंट तक की वैल्यू, दैट मींस ये x, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ फॉल्टी पॉइंट टू पॉइंट c, तो ये हो जाएगा x is equals to 2r इंटू क्यू पी प्लस क्यू। ये और दूसरे तरीके से अगर हम लिख देते हैं तो एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन पी प्लस क्यू इंटू टू आर, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थ्री। अगर हम एक्स को फाइंड करना चाहें तो एक्स हमें कैसे मिल जाएगा, क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू टू आर। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिला हमें एक्स वो फाइंड हो जाएगा इक्वेशन नंबर थ्री से। फ्रॉम इक्वेशन थ्री हमें रेजिस्टेंस ऑफ 40.8 सी ये फाइंड हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें लेंथ हमें फाइंड करनी है कि रेजिस्टेंस तो हमें मिल जाएगा एक्स से, लेकिन ये जो लेंथ है ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ द लेंथ ऑफ केबल इन मीटर्स, माना कि जो केबल का लेंथ है वो हमारा मीटर में है, रेजिस्टेंस पर मीटर क्या हो जाएगा स्मॉल आर, बिकॉज टेबल के लिए रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया था स्मॉल आर मानो था, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर डिवाइडेड बाय एन रेजिस्टेंस पर मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ फॉल्ट पॉइंट फ्रॉम टेस्ट एंड, डिस्टेंस ऑफ फॉल्ट पॉइंट फ्रॉम टेस्ट एंड, टेस्ट एंड हमारे पास है पॉइंट ए एंड फॉल्टी पॉइंट जो है हमारे पास वो है एफ। तब क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक्स जो यहाँ का रिएक्टेंस है डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ केबल इन मीटर्स, सो डी इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर और एक्स डिवाइडेड बाई आर बाई एल। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से ली थी इक्वेशन नंबर थ्री से, या हम यहाँ कर देंगे क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई टू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एल, तो ये ऊपर से क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर। अब इसको आगे अगर सॉल्व किया तो ये आर कैंसल आउट हो जाएगा, आर बच जाएगा क्या क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू इंटू टू एल। तो जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू लूप लेंथ इन मीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्थ पॉइंट के अंदर अगर कोई फॉल्टी केबल्स है उस एफ पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट सी से लेके पॉइंट एफ के बीच
जो रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम ऐसा फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से व्हीटस्टोन ब्रिज का एक फिनोमेना लेंगे। साथ ही अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस पे हम फाइंड कर सकते हैं डी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू लूप लेंथ इन मीटर्स। अब जब नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का डायग्राम जो हमारा अर्थ टेस्ट फॉल्ट था अर्थ फॉल्ट था उससे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक पॉइंट एफ किया था, तो सीडी केबल के कोई भी एक पॉइंट ने एफ ले लिया जो कि हमारा क्या है फॉल्टी केबल। ठीक है, यहाँ पे एक फॉल्ट एफ हमने क्रिएट किया। तो सिमिलर यहाँ पे जो अब अर्थ नहीं हुआ, ठीक है, तो अर्थिंग ना होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टेड है यहाँ से स्विच है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा हमारा शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा। तो इसको ले सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्रिएट हो रहा है। That means, यहाँ तक को जो भी रेजिस्टेंस था वो एज इट इज रहेगा जैसे हमारा अर्थ फॉल्ट में था। सी और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास एक्स है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट फिनोमेना अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज भी ऐसा बन रहा है। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में भी क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर हम लोग लेते हैं तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एक्स। हमें फाइंड क्या करना है x, बिकॉज जो भी फॉल्टी कंडीशन है वो हमारा कहा है f पॉइंट से c के बीच जो हमारे लिए अननोन होगा। तो यहाँ जैसे फाइंड करने के लिए अगेन p upon q plus 1 divided by r upon x plus 1, तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा p upon q plus q is equals to r upon x plus x। सिमिलर है जैसे हमने आर फॉल्ट के लिए कैलकुलेशन किया था, तो आर प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास टू आर मिला था, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू टू आर इंटू एक्स। यहाँ पे टोटल जो केबल का डिस्टेंस होगा वो स्मॉल आर ही होगा, दैट मीन आर प्लस एक्स जो हो जाएगा हमारे पास ये टोटल आर है प्लस ये एक्स, ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा टू आर का। अब यहाँ से x फाइंड करना है, दैट x इज इक्वल टू q अपॉन p प्लस q इनटू 2r। तो अगर हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए भी फाइंड करते हैं यहाँ से x की वैल्यू, तो हमें x इज इक्वल टू q अपॉन p प्लस q इनटू 2r मिलेगा। तो सेम जो हमने अर्थ फॉल्ट के लिए क्रिएट किया था तो क्या हो गया था, यहाँ पे अगर हमने लेंथ ली थी टोटल लेंथ अगर हमने लिया था तो वो हो गया था हमारे पास x डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया था हमारे पास q डिवाइडेड बाय p प्लस q इनटू लेंथ ऑफ केबल इन मीटर्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ से प्रूव कर सकते हैं x इज इक्वल टू q अपॉन p प्लस q इनटू टू आर, ये जो टू आर होगा यही हमारा लेंथ ऑफ केबल हो जाएगा। ठीक है, तो दो टेस्ट हमने पढ़ लिए जिनकी स्टडी हमें करनी थी, पूरे लूप टेस्ट की, पूरे लूप टेस्ट का जो डायग्राम होगा ऑफकोर्स दो केबल्स हमने लेंगे जिसमें एक हेल्थी केबल होगा एक फॉल्टी केबल होगा। कोई भी एक पॉइंट पे हम फॉल्ट क्रिएट करने के लिए अगर प्रैक्टिकल यूज करते हैं तो यहाँ पे एक स्विच लगा है केबल है के टू का, तो अगर शॉर्ट सर्किट हमें करना है तो हम क्या करेंगे के टू को स्विच ऑन कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा कैलोरीमीटर का डिफ्लेक्शन हमें पता चल जाएगा। इस पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे फॉल्ट है ये जानने के लिए इसका जो पॉइंट है इसको चेंज करते जाएंगे कंटिन्यूअसली, और जहां जहां पे हमें गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो हमें जीरो मिलता जाएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा फॉल्टी पॉइंट हो जाएगा या फॉल्टी टेबल कौन सा टेबल है वो पता चल जाएगा। तो ये जो
पॉइंट है ये हम ए बी सी डी और डिफरेंट टाइप के जितने भी टेबल्स होंगे उन टेबल्स पे अपन क्या कर सकते हैं उसको पुट करके देख सकते हैं कि तत्व कहाँ कहाँ पे वो अर्थ फॉल्ट क्रिएट कर रहा है और कहाँ पे वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्रिएट कर रहा है। दोनों में ही जो मैनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो हमें क्या मिल जाएगा जीरो। तो ये था हमारा आज का मूवे लूप टेस्ट, इसकी स्टडी करने के लिए और ये कंप्लीट है। इसके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए सिर्फ हमें ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को वैरी करना पड़ेगा, ठीक है। जितना हम पी क्यू आर रेजिस्टेंस लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में हम एक्स को कैलकुलेट करेंगे।